हे गाइस, वेलकम टू सरूज किचन। आज मैं आपके लिए बहुत सारे अलग अलग चॉकलेट मोदक के आइडियाज़ लेके आई हूँ। साथ में बताऊँगी चॉकलेट में कलर कैसे ऐड करते हैं, फ्लेवर कैसे ऐड करते हैं और कौन से कलर्स और फ्लेवर्स चॉकलेट्स में यूज़ होते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है डार्क कंपाउंड चॉकलेट। इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है ताकि ये इवनली मेल्ट हो सके। आज मैं इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ। मैंने इसको 30 सेकंड्स के लिए अभी माइक्रोवेव में रखा है। अगर ज़रूरत लगेगी तो हम दोबारा इसको रखेंगे, लेकिन एक बार में 30 सेकंड से ज़्यादा इसको माइक्रोवेव में नहीं रखना है। मुझे अभी इसमें थोड़े लम्प्स दिख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा और गर्म करूंगी इसको। मैंने अभी 20 सेकंड्स इसको दोबारा रखा था तो अभी ये परफेक्टली मेल्ट हो गई है। चॉकलेट को मेल्ट होने के बाद भी 2-3 मिनट तक हमें इस तरह से मिक्स करना है, उससे चॉकलेट पे शाइनिंग आती है। तो अगर आप चॉकलेट को गैस पे मेल्ट करना चाहते हैं तो डबल बॉयलर से कर सकते हैं। उसके लिए एक बर्तन में पानी लेके उसके ऊपर दूसरे बर्तन में चॉकलेट डाल के स्टीम से उसको मेल्ट कर लीजिएगा। ये मैंने वाइट चॉकलेट को भी माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। इसको एक बार में 10 सेकंड्स ही रखना है। वाइट और फ्लेवर्ड चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं तो ये जल्दी जल जाती हैं, तो इनको 10-10 सेकंड्स करके ही हमें गर्म करना है। अभी मैंने ये मोदक मोल्ड लिया है। ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मिल जाएगा और चॉकलेट को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही हमें मोल्ड में डालना है। सबसे पहला मोदक जो हम बनाएंगे वो बिल्कुल प्लेन बना रहे हैं। चॉकलेट को जस्ट मेल्ट किया और मोल्ड में डाल दिया। स्पून से मोल्ड में डालने का तरीका ये है कि इसको पोर कीजिए चॉकलेट को और स्पून को एकदम से ट्विस्ट कर दीजिए, उससे रास्ते में टपकती नहीं है। एक बार और दिखाती हूँ। इस तरह से पोर किया और स्पून को पूरा वहीं पे घुमा दिया। तो अब इसको टैप कर देंगे ताकि कोई एयर बबल हो तो निकल जाए। और सेकंड हम बनाएंगे डबल शेड का मोदक। इसके लिए मैं पहले डार्क चॉकलेट इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी, और इसे 2 मिनट के लिए अभी सेट होने देंगे। तब तक हम बनाते हैं फ्लेवर्ड चॉकलेट। ये बटरस्कॉच एसेंस है, ये ऑयल बेस्ड है। चॉकलेट में कोई भी चीज़ वाटर बेस्ड नहीं जाएगी। थोड़ी सी चॉकलेट हम सेपरेट कर लेंगे। चॉकलेट की क्वांटिटी बहुत कम है तो इसलिए इसमें एक ड्रॉप से भी कम हमारा एसेंस लगेगा। एसेंस का मेज़रमेंट ये होता है कि 100 ग्राम चॉकलेट के अंदर आप 1 से 2 ड्रॉप्स एसेंस के डाल सकते हैं। तो हमारी चॉकलेट बहुत कम है तो इसलिए मैंने एक ड्रॉप को भी वापस डाल के उतना ही इसमें मिक्स किया है। ये बटरस्कॉच बॉल्स हैं एक्स्ट्रा क्रंच के लिए, तो इनको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको मोल्ड में डाल देंगे तो ये हमारा बटरस्कॉच मोदक हो जाएगा। ऊपर से फिनिशिंग के लिए थोड़ी सी प्लेन चॉकलेट डाल देंगे और इसको टैप कर देंगे। टैप हमें हर बार करना है। ये डबल शेड वाले मोदक की भी एक लेयर सेट हो गई है थोड़ी सी। 2 मिनट उसको रखा था, अब उसके ऊपर वाइट चॉकलेट डाल देंगे और इसको भी टैप कर देंगे। अब हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट मोदक। चॉकलेट में जब भी हमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ करने हैं उनको रोस्ट करके ठंडा करके ही यूज़ करना है। थोड़ी सी चॉकलेट डाली, ऊपर से ड्राई फ्रूट रखा और उसके ऊपर 1 स्पून चॉकलेट और डाल देंगे। तो इसी तरह से हम आलमंड चॉकलेट भी बना लेंगे। इस तरह से आप किसी भी ड्राई फ्रूट से मोदक बना सकते हैं या कोई भी चॉकलेट बना सकते हैं। तो अभी हम बना रहे हैं क्रंची चॉकलेट। तो ये इसके लिए मैंने ये क्रिस्पी राइस लिए हैं, उनको डायरेक्ट चॉकलेट में डाल के मिक्स करेंगे। और इस तरह से मोल्ड में डाल देंगे और ये हमारा क्रंची मोदक हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि चॉकलेट को कलर कैसे करना है। थोड़ी सी चॉकलेट हम सेपरेट करेंगे।
ये जेल कलर है, इसको इसके सिर्फ एक ड्रॉप भी काफ़ी होती है, लेकिन इसको आप अपना जितना आपको कलर चाहिए कम या ज़्यादा उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चॉकलेट में आप पाउडर वाला कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाटर बेस्ड नहीं कर सकते, ये जेल बेस्ड है, तो जेल या पाउडर वाला कलर ही इसमें जाएगा। तो इसको थोड़ा सा इसमें डालेंगे और हल्का सा इसे सेट होने देंगे। ये थोड़ी सी सेट हो गई है और इसके ऊपर हम दूसरे कलर की चॉकलेट डाल देंगे। इस बार मैं डबल शेड के साथ मार्बल इफेक्ट दिखा रही हूँ कि मार्बल इफेक्ट चॉकलेट में कैसे दे सकते हैं। थोड़ी सी चॉकलेट और पोर करेंगे ऐसे अनइवन तरीके से, और ये एक टूथपिक लेके उसको हल्का सा इसमें चला देंगे। अब हम बनाएंगे सेंटर फिल्ड मोदक। मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है थोड़ा सा, और थोड़े से ड्राइड रोज़ पेटल्स ले रही हूँ। इनको मिक्स करेंगे, ऊपर से थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट डाल के इसको बाइंड कर लेंगे। आप इसकी जगह कोई भी फिलिंग, रेडीमेड बहुत सारी फिलिंग्स मिलती हैं चॉकलेट के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं, कोई जैम इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी चॉकलेट मोल्ड में डाली, ऊपर से इस फिलिंग को रख देंगे और अगेन थोड़ी सी चॉकलेट डाल के इसको कवर कर देंगे। अभी इसको टैप करके हमें 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखना है। अभी हमारे ये फर्स्ट राउंड के मोदक्स रेडी हैं, इनको इस तरह से केयरफुली निकाल लेंगे। हमें बिल्कुल आराम से इनको अनमोल्ड करना है। मैंने मोल्ड को नैपकिन से अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। मोल्ड हमें हर बार क्लीन और ड्राई यूज़ करना है। अब हम बनाएंगे चोको चिप्स मोदक। एक स्पून चॉकलेट को मोल्ड में डालेंगे और ऊपर से ये चॉकलेट चिप्स हैं इसका आधा स्पून इसमें डाल देंगे। इसको स्पून की बैक साइड से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो सेंटर में भी डाल सकते हैं, और ऊपर से थोड़ी सी प्लेन चॉकलेट डाल के फिनिशिंग के लिए, तो उसको फिर टैप कर देंगे। अभी मैंने ये सतरंगी सौंफ ली है, जिसको मुखवास भी बोलते हैं। इसमें अगर आप पान मसाला ऐड कर देते हैं तो आपका ये पान मोदक हो जाएगा, और इसको इसी में मिक्स करके भी हम मोदक बना सकते हैं, या फिर जैसे हमने चॉकलेट चिप्स ऊपर से डाले थे उस तरह से भी बना सकते हैं। और ये मैंने मिक्स्ड ड्राइड फ्रूट्स लिए हैं, इसको भी उसी तरह से जैसे पहले हम बना रहे हैं उसी तरह से बना देंगे। और आप इसकी जगह टूटी फ्रूटी भी यूज़ कर सकते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं ये और खाने में भी। ये मैंने पिस्ता चॉकलेट ली है, मार्केट में कलर और फ्लेवर ऐड किए हुए कंपाउंड भी मिलते हैं, तो इसके लिए मैंने ये रोस्टेड पिस्ताचू को हल्का सा चॉप कर लिया है। पहले हमने होल ड्राई फ्रूट से बनाई थी, कैश्यू और एलमंड से, तो इस तरह से भी ये सेकंड ऑप्शन है कि आप चाहें तो इसको छोटा छोटा कट करके इसमें पूरे में मिक्स करके भी बना सकते हैं, और आप मिक्स ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने पाइनएप्पल चॉकलेट ली है, इसका एक तो फुल ही बनाएंगे और आगे मैं इसका एक ट्रिपल लेयर वाला मोदक भी दिखाती हूँ कि कैसे ट्रिपल लेयर भी आप बना सकते हैं। ये थोड़ी सी वाइट चॉकलेट हम इसमें डालेंगे, 2 मिनट के लिए इसको सेट होने देंगे। ये ऑरेंज चॉकलेट है, ऑरेंज फ्लेवर, हमें टैपिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एयर बबल रह जाएगा तो वो बहुत गंदा लगता है बाद में, फिर होल जो दिखाई देता है। तो इसके ऊपर हम इसकी नेक्स्ट लेयर डाल देंगे चॉकलेट की।
अभी हम इन पे अपनी नेक्स्ट लेयर्स डाल के अच्छी तरह से उसको टैप करेंगे, और टैप करके हमें इनको भी 10 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखना है। ये हमारे मोदक रेडी हैं। अभी मैं आपको अनमोल्ड करके एक एक करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह के दिखते हैं। ये देखिए, ये हमने प्लेन मोदक बनाया था, बिल्कुल प्लेन डार्क चॉकलेट से। ये डबल शेड में है, और ये हमने ट्रिपल शेड का मोदक बनाया था। ये हमने मार्बल इफेक्ट दिया था डबल लेयर के साथ। ये चॉकलेट चिप्स मोदक है, ये हमारा सतरंगी मोदक है। ये बहुत सुंदर दिखता है और टेस्टी भी लगता है, क्रंची इसमें ना। ये हमने फ्रूट मोदक बनाया था जो ड्राइड फ्रूट से, और ये वाला सेंटर फील्ड मोदक है। और ये हमने ड्राई फ्रूट मोदक बनाए थे जिसके अंदर होल रखे थे आलमंड्स और कैश्यूज, और ये हमारा पिस्ता फ्लेवर मोदक है। तो ये हमारे सारे मोदक रेडी हैं। इस गणेश चतुर्थी अपने हाथों से बने मोदक का भोग लगाइए गणेश जी को। गणेश जी अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखें। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए। गणपति बप्पा मौर्या।